हाय गाइस, मैं हूँ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, जो हेयर स्टाइल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और इनको आप कैरी करने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लगते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बिगनर्स हैं वो भी इन हेयर स्टाइल्स को अपने बालों पर कैरी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजीली इनको बना सकते हैं। आप इसको किसी सूट के साथ, साड़ी के साथ या फिर एथनिक वियर कुर्ती के साथ किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है और आप बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हेयर स्टाइल से, जैसे कि अभी फेस्टिवल आ रहा है दिवाली का, आप उस पर इन हेयर स्टाइल को कैरी कर सकते हैं। या आप किसी फंक्शन में या फिर आप एक पार्टी में जा रहे हैं तो आप उस टाइम पर भी इन हेयर स्टाइल्स को कैरी कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस हेयर स्टाइल से आप 3 डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको मिडिल पार्टीशन कर लेना है अपने बालों का। उसके बाद आपको एक साइड से पहले थोड़े से बाल लेने हैं ऐसे, और इसको आपको ट्विस्ट करना है इस तरीके से। अच्छे से ट्विस्ट करने के बाद आप बॉय पेन से कोई क्लिप्स इसको स्टिक कर लेना है। जितना पोर्शन आपने राइट साइड से लिया था उतना ही पोर्शन आपको लेफ्ट साइड से भी लेना है थोड़े से बालों का, और यहाँ से भी बालों को आपको ट्विस्ट करते हुए किसी बॉबी पिन से या फिर कोई क्लिप से इसको सिक्योर कर लें। अगेन आपको दोनों साइड से सेम पोर्शन के बाल लेने हैं और इसको ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से। अगर आप चाहें तो एक एक करके भी ले सकते हैं, नहीं तो आप दोनों साइड एक साथ भी कर सकते हैं ट्विस्ट। पहले मैंने एक साइड कर लिया ट्विस्ट, यहाँ सिक्योर कर लिया इस साइड से। सेम इस साइड भी मैंने जो पोर्शन लिया था पहले बालों का उसको ट्विस्ट करते हुए सिक्योर कर लेना है। अगेन आपको थोड़े बालों का पोर्शन लेना है बोथ साइड से, जितना अच्छे से ट्विस्ट करेंगे उतना अच्छा शेप आएगा। अब लास्ट थोड़े से बाल बचे हैं दोनों साइड से, इसको भी हमको लेके ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ मेन से सिक्योर कर लें। अगर आप ओपन हेयर स्टाइल रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने बालों को यहाँ ओपन भी छोड़ सकते हैं, और आगे से थोड़े से हम लोग जो बाल हैं आगे से थोड़े से हम लोग इस तरीके से फ्लिक्स निकाल देंगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इसमें आप मांग टीका को भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मांग टीका को भी इस तरीके से करके ऐड कर लीजिए। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट हेयर स्टाइल। तो ये हमारी होगी फर्स्ट हेयर स्टाइल। अगर आपको बाल ओपन नहीं करने हैं तो आप सेकंड ऑप्शन क्या कर सकते हैं, पोनीटेल बना सकते हैं। उसके लिए आप नॉर्मल जैसे हम पोनीटेल बनाते हैं पूरे बालों को ऐसे, तो इस तरीके से आप अपने बालों को पोनीटेल बना के भी सिक्योर कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इस हेयर स्टाइल को कैरी कर सकते हैं। आप इस हेयर स्टाइल से थर्ड लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपको एक बन बनाना है। उसमें हमें क्या करना है, सेम पोनीटेल को आपको लेके वो आपको टू सेक्शन में डिवाइड कर लेना है और बस ट्विस्ट करना है सेम ऐसे नॉर्मल। उसके बाद आपको एक रबर लेके यहाँ इसको टाइट कर लेना है, जिससे हमारी जो हमने जो भी ट्विस्ट किए अपने बाल वो लूज ना हो जाए। जूड़ा फेंसेस को सिक्योर कर लेना। इस पर आप चाहें तो कोई गजरा भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई कलरफुल कोई आपके पास क्लिप हो बन क्लिप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका थर्ड लुक क्रिएट कर सकते हैं विद बन, आप देख सकते हैं।
फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हमने वन हेयर स्टाइल से 3 different look क्रिएट किए हैं। तो ये हमारी होगी फर्स्ट हेयर स्टाइल जिसके हेल्प से हमने 3 look क्रिएट किए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेयर स्टाइल पे। इस हेयर स्टाइल के लिए भी आपको सबसे पहले मिडिल पार्टीशन करना है, उसके बाद आपको आगे से थोड़े से बाल लेने हैं इतने, और जो आधे बाल उनको पीछे बैक में डाल देना है। इस साइड से भी आपको इक्वल अमाउंट में जितने इस साइड लिए थे उतने इस साइड बाल आपको थोड़े से आगे लेने हैं और बाकी आपको पीछे मूव कर देना है। जो बैक में जो आपके बाल हैं उनको किसी बन के थ्रू टाई कर लेना है, मतलब उनको हमें बाद में ओपन रखना है। तो इसको मैंने पीछे वाले बालों को क्लचर से सिक्योर कर लिया है। अब हमें एक इसको एकदम अपने ऐसे चिपका के अपने साइड से इस तरीके से आपको इसको जो आगे दोनों बाल हैं इनको ऐसे पीछे सी रबर बैंड से टाइटली इसको ऐसे करके जो आगे से हमने बाल पीछे किए थे उसको सिक्योर कर लिया रबर बैंड से। उसके बाद जो हमने अपने क्लचर के थ्रू जो बैक में बाल को सिक्योर किया था उसको ओपन कर देना है। ये जो हेयर स्टाइल है बहुत ही अच्छी लगती है, अगर आप स्पेशली अगर आपने साड़ी कैरी की है तो उस पर हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो इसके साथ मांगटी का भी कैरी कर सकते हैं। मैं करके दिखा देती हूँ। पार्टीशन करना है बालों का, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप ऐसे कोई मांगटी का लेके उनसे सिक्योर कर लें, इस तरीके से आपको अपने बालों को हाफ पार्टीशन कर लेना है, हाफ इस साइड से एंड हाफ इस साइड से। अब बैक से आपको यहाँ से थोड़े से बाल लेने हैं, आपको कुछ ट्विस्ट करते रहना है। अगेन आपको थोड़े से बाल लेते हुए आप ऊपर से ट्विस्ट करते हुए इसको अगेन फिर से थोड़े से बाल लेते हुए ट्विस्ट करना है। और ये थोड़े से बाल हमको छोड़ देने हैं, इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। जिस तरीके से हमने इस साइड इसको ट्विस्ट किया है इसी तरीके से हमको इस साइड भी ट्विस्ट करना है। थोड़े से आगे से बाल निकाल के बाकी के बाल इसको हम ट्विस्ट कर लेते हैं। ये हमने ट्विस्ट कर लिया है और आगे से थोड़े बाल हमको निकाल लेने। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ओपन भी अपने बालों को रख सकते हो, आप ओपन भी बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं तो आप इसे एक बन भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको नॉर्मल पहले एक रबर बैंड से इसको सिक्योर कर लेना है। इस तरीके से आपका जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे इसका एक बन बना के रेडी कर सकते हैं। इसको मैं जूड़ा पिन सिक्योर कर लेते हैं। ये हमारा बनके रेडी हो गया बन। आप चाहे इसमें कोई कलरफुल पिंस या फिर स्टोन्स लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई गजरा भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही अच्छे हेयर स्टाइल लगते हैं। जो लास्ट हेयर स्टाइल है बहुत ज़्यादा सिंपल है। मिडिल पार्टीशन करते हुए आपको यहाँ से बाल लेके ट्विस्ट करना है, बस थोड़े थोड़े बाल लेके ट्विस्ट करना, बाल पीछे जाते हुए बालों को ऐड ऑन करते जाना है। उसके बाद किसी पिंसेस को सिक्योर करना है।
सेम स्टेप से इधर किया, सेम इस तरह करना है हम लोग को। अभी मांगटी का कैरी कर रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। अगर आप चाहें तो इसमें भी आप बंद बना के एक डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ओपन हेयर भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है, इसको हर कोई मतलब बिगिनर्स भी इन हेयर स्टाइल को अप्लाई कर सकता है अपने बालों पे, और इनको बनाने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डिफरेंट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हेयर स्टाइल्स जिनको आप इन फेस्टिवल पे या फिर किसी पार्टी में कैरी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के हेयर स्टाइल्स पसंद आई हूँ। अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। और मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैं आपके लिए वीक में 3 डेज स्किन केयर, हेयर केयर और डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आती हूँ। अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल बटन है इसको भी क्लिक कर लें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे हेल्थी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।